गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल क्रिएटिविटी क्लब पे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ग्रुप फोर के बारे में। अभी तक हम लोग बेसिक ड्रिल्स ग्रुप वन टू एंड थ्री सीख चुके हैं, तो ग्रुप फोर स्टार्ट करते हैं। एंड जो हमारा ग्रुप फोर है वो फॉलो करता है हमारे डिसेंडोज को। डिसेंडो लूप हमारा कुछ स्मॉल डी के जैसा होता है। एंड इसके अंदर जो हमारे अल्फाबेट्स आते हैं वे हैं जे, जी एंड वाई। ग्रुप फोर में सिर्फ हमारे तीन अल्फाबेट्स आते हैं, जे जी एंड वाई। ये भी हमारा सेम वही ग्रिड फॉलो करेगा, असेंडर मीन बेस डिसेंडर। जो हमारा ग्रुप फोर है वो क्योंकि डिसेंडर में बनता है, इसीलिए डिसेंडर लूप में बनने की वजह से सिर्फ मीन बेस एंड डिसेंडर को फॉलो करता है। ये सिर्फ हमारी नीचे की तीन लाइंस को फॉलो करता है। इसको हम बड़े ग्रिड पे भी देख लेते हैं। हमें यहाँ सेंटर को छोड़ना है, मीन बेस एंड डिसेंडर के बीच में हमें तीनों अल्फाबेट्स को बनाना है। हमें फर्स्ट लेना है एंट्री स्ट्रोक, देन हमें लेना है डाउन स्ट्रोक एंड देन एक वेवी कर्व जिसके साथ हम इसको फिनिश अप करेंगे, और जितना भी हमारा अलाइनमेंट है उसको पूरा फिल करके ऊपर एक ग्रुप के साथ हम जे को फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे जी, जिसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना है एक ओवल एंड देन उसका जो ट्रांजिशन पॉइंट है उसको आपको हाईलाइटेड करना है, देन डाउन स्ट्रोक एंड देन आप वेवी कर्व बनाएंगे। हमेशा याद रखें, आप जे जी या वाई कुछ भी बनाएंगे, हमेशा आपको डाउन स्ट्रोक बनाने के बाद जो आप डाउन स्ट्रोक या जो रिवर्स डिसेंडर है उसको बनाया उसके बाद ही आपको अपना जो वेवी कर्व है वो बनाना है, उसके साथ ही आपको उस लूप को फिनिश अप करना है और सारे ही आपके जो अल्फाबेट्स हैं उनको हाईलाइटेड कर देना। आज हमने पढ़ा ग्रुप फोर जो कि डिसेंडर को फॉलो करता है, जो हमारे मेन बेस एंड डिसेंडर के बीच बनता है, जिसके अल्फाबेट जे जी एंड वाई थे। अभी हम पढ़ेंगे ग्रुप फाइव के बारे में। ग्रुप फाइव जो है इसमें हमारे सभी एक दूसरे के लिए एक्सेप्शनल ही हैं मोस्टली, बट हमारा जो आर एस एंड एक्स है वो सेम जो हमारा ग्रिड है उसको फॉलो करेगा एंड जेड हमारा डिसेंडर तक जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं आर की, तो जो हमारा असेंडर सेकेंड मीन एंड देन थर्ड बेस है, तो हमारा मीन एंड बेस को पूरा कवर अप करेगा, बट उसका जो लूप है वो थोड़ा असेंडर एंड मीन के हाफ तक जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सेम हमारा एस जो है, जो हमारा बॉडी पार्ट है उतने में ही बनेगा, और आपको असेंडर को हाईलाइट करते वक्त, जो हमारा एस है उसको हाईलाइट करते वक्त ध्यान रखना है कि आपको उसको लेफ्ट एंड राइट दोनों पोर्शन से हाईलाइटेड करना है। अगर आप एक ही जगह से उसको हाईलाइट करेंगे तो आपका अल्फाबेट अच्छा नहीं लगेगा। एक्स भी सिमिलरली हमारा बॉडी पोर्शन में ही बनेगा। एंड अगर हम बात करेंगे जेड की, तो वो हमारा डिसेंडर तक जाएगा। एंड एक्स में आपका जो हमारा फर्स्ट वाला लूप है वो उसको हाईलाइटेड करेंगे, सेकेंड वाले लूप को जिस तरीके से मैंने बना के बताया वैसे ही बनाना। जेड की बात करें तो फर्स्ट आपको स्ट्रोक बनाना है, उसको आपको उसके जो हाईलाइटेड पोर्शन है वहाँ पे हाईलाइट करना है मीन्स ट्रांजिशन पॉइंट से। सिमिलरली उसका सेकेंड नीचे वाला लूप बना के डिसेंडर लूप एंड उसको आउटसाइड तक आपको एक वेवी से कर्व के साथ आउट करना है। तो आज हमने पढ़ा ग्रुप फोर एंड ग्रुप फाइव। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी इशू लगे तो आप हम कमेंट बॉक्स में या हमारे इंस्टा पे डायरेक्टली मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन।